लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से पहले कलेक्टर उमाशंकर भार्गव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्राम राजलवाड़ी के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सुल्तानपुर में आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में कोई नेता या मंत्री आए, उससे पहले रायसेन का पूरा प्रशासनिक अमला समस्या सुनने के लिए पहुंच गया। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, SP मोनिका शुक्ला और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभि प्रसाद ग्राम राजलवाड़ी पहुंचे और सुल्तानपुर के गाँव राजलवाड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों, राशन दुकान एवं पंचायत भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों से समस्याओं का निराकरण करने को कहा। वहीं आपको बता दें कि रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जैसे ही सुल्तानपुर के ग्राम राजलवाड़ी में पहुंचे, ग्रामीणों का हुजूम कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए जमा हो गया। वहीं रायसेन कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को तुरंत निराकरण किया। जो समस्या निराकरण नहीं हो पाई उनको 10 दिन के अंदर निराकरण करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि कुल 236 शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया, बाकी अन्य समस्याओं का कुछ ही समय में निराकरण किया जाएगा। इस दौरान विशेष तौर पर मेडिकल बोर्ड लगाया है, जिसमें दिव्यांगों के सर्टिफिकेट तुरंत बनाकर दिए जा रहे हैं। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। वर्तमान तक हमारे पास लगभग 236 जो शिकायत और मांग है इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। बहुत सारी शिकायतों का हमने मौके पर निराकरण भी किया हुआ है, कुछ काम कर रहे हैं। इस शिविर के साथ साथ हमने एक दिव्यांग शिविर भी लगाया हुआ है, जो पीछे एक साइड आपने भी देखा होगा। उस दिव्यांग शिविर में पूरा मेडिकल बोर्ड आया हुआ है। जो हमारे दिव्यांग जन हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरा हम परीक्षण करा रहे हैं, मौके पर ही हम उनको मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।